हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको नवरात्रों में स्थापित की जाने वाली माता की चौकी के बारे में बताऊंगी कि माता की चौकी कैसे स्थापित की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप कोई एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए और उसे अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी को गंगा जल से और शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और याद रखें, कलश के दाईं ओर माता की चौकी को रखें। कलश स्थापना की विधि मैंने आपको मेरे पहले के वीडियोज में बता दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर या चित्र रखें। माँ की प्रतिमा या मूर्ति पर लाल चुंदरी और कुमकुम का टीका लगाएं। तत्पश्चात माँ दुर्गा की पूजा फूल माला रोली कपूर अक्षत और ज्योति के साथ पूजा करें। इसके अलावा माँ को काजल लगाएं, हरी चूड़ियाँ फल मिठाई इत्र अर्पित करें। श्रद्धानुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्रोत सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। रोजाना देवी माँ का पूजन करें तथा जौ वाले पात्र में जल का हल्का छिड़काव करें। जल बहुत अधिक या कम ना छिड़कें। जल इतना ही हो कि जौ अंकुरित हो सके। ये अंकुरित जौ शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफ़ेद हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ होता है। इसके बाद अष्टमी और नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि हवन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिजन निरोगी बने रहते हैं। नवरात्रि के दौरान हवन सही विधि से करना चाहिए। अष्टमी व नवमी के दिन 3 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। इससे शुभ फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो इस प्रकार आप चौकी स्थापित करके माता की पूजा करके नवरात्रों में अपने मन की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय माता दी।